दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ये खबर ही नहीं बल्कि आप सभी नौजवानों के लिए खुशखबरी भी है, साथ ही सपना पूरा होगा आपका प्राइमरी टीचर बनने का। शिक्षा विभाग ने गेस्ट फैकल्टी में भर्ती निकाली है, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस आवेदन के बाद, सिलेक्शन के बाद आप DOE यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर बनेंगे, जिसकी सैलरी आपको मिलेगी 27,930 यानी कि 28,000 के करीब आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो विज्ञप्ति संबंधी कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कहां से भरेंगे, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो फटाफट से एक लाइक वीडियो को जरूर कर लो और इसी तरह से आपको सारी अपडेट शिक्षा विभाग की मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िए। ये दोस्तों विज्ञप्ति की पूरी जानकारी लेते हैं। पब्लिक नोटिस दिल्ली शिक्षा विभाग ने जारी की है 16/1/2023 को, 16 जनवरी को। ड्राइंग ए पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेटर टी प्राइमरी गेस्ट फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 में निकली है, यानी कि अभी निकली है 23 में। एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर्म अमंग द इन क्वालिफाइड यूथ फॉर सेटिंग अप ए पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट फॉर फर्दर एंगेजमेंट टू द पोस्ट स्पेशल एजुकेटर टीचर प्राइमरी इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एज एंड वेन रिक्वायर्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये भर्ती निकाली है, सीधा भर्ती निकली है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर क्या है, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं आपको, और यहाँ पर आप स्पेशल एजुकेटर टीचर बनेंगे गेस्ट फैकल्टी में। एंगेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। तो थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन जानते हैं। सबसे पहला कंडीशन आपके लिए, पहली कंडीशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 18 जनवरी 2023 से फॉर्म भरेंगे, 5 बजे से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। और ये फॉर्म जो है आप ऑनलाइन ही भरेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो भर्ती है आपकी एडोक पे निकली है, यानी कि डेली बेसिस पे, टिल द पोस्ट आर फिल्ड आप ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे रेगुलर टीचर आते हैं तब तक यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में निकाली है। अच्छी सैलरी है तो कोई फॉर्म फिल करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर रेगुलर अपॉइंटमेंट जब तक होते तब तक यहाँ पर उसे टीचर्स को बनाए रखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी कि आप रेगुलर टीचर्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं और आप आवाज़ नहीं उठा सकते, जो आपको दिया जाएगा उसमें आपको ही लेना है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विल मेंटेन ए वेट लिस्ट। तो यहाँ पर फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा। कैंडिडेट टू मीट एनी रिक्वायरमेंट इन द एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए, तो सेशन के लिए निकालें। एंगेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर टीचर विल बी डन एज एंड वेन रिक्वायर बाय द स्कूल। ओके, रिजर्वेशन, यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी है। तो रिजर्वेशन SC ST OBC EWS के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी मिलेगा। यहाँ पर डिसेबिलिटीज अगर हैं तो सारी जो क्राइटेरिया है रिलैक्सेशन वाला, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर भी दी जाएगी। विलिंग कैंडिडेट मे रजिस्टर थेमसेल्फ ऑन द वेबसाइट www.edudl.nic.in पर आप जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बताएंगे कैसे फॉर्म आपको फिल करना है। 18/1 से 31/1 तक 6 बजे तक आप 31 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। द कैंडिडेट नीड टू सबमिट 3 प्रेफरेंस। तो 3 प्रेफरेंस आपको इन द टर्म एंड डिस्ट्रिक्ट वेयर दे विश टू अप्लाई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी भर्ती जो है वो ऑनलाइन होगी। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सेल नॉट बी एंटायर, तो यहाँ पर ऑनलाइन ही आपको भरना है। और देखो यहाँ पर एप्लीकेंट आर इंटरेस्टेड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं देनी, सिर्फ ऑनलाइन भरना है आपको। किस बेस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा, तो सिलेक्शन यहाँ पर होता है मेरिट बेस पर, एकेडमिक मेरिट बेस पे सेपरेटली। जो भी जितने भी आपके एकेडमिक है, 10th है, 12th है, आगे जो भी आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर आपका नाम सिलेक्शन होगा। कैलकुलेट किया जाएगा मेरिट और उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आएगा और आप टीचर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है वेटेज। तो वेटेज किस तरह से दिया जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज को आप एक बार ज़रूर नज़र मारेंगे। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी आपकी, ये क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक है, मार्क्स है,
टेंथ के 20 मार्क्स लगेंगे, टेंथ के जितने भी टोटल मार्क्स हैं, ट्वेल्थ के 35 लगेंगे, एंड डीएड स्पेशल एजुकेशन और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन स्पेशल, जो भी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स बनने के लिए क्वालिफिकेशन है वो सारी आपकी होनी चाहिए, तो उसके आपके 45 मार्क्स लगेंगे। ओवरऑल टोटल 100 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। रिक्वेस्ट टू फॉर चेंज टू ऑफ स्कूल शैल नॉट बी इंटरटेंड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इंगेजमेंट। तो आप चेंज नहीं कर सकते, जिस स्कूल में आपको आपने फॉर्म भरा है आप उसमें आपको मिल जाता है, तो इफ़ द पर्सन डज नॉट ज्वाइन विलिंग गिवन टाइम द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी कैंसिल्ड। अगर आपने फॉर्म भरा है, आपका सिलेक्शन हो गया है, नाम आ गया है, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। एज सून एज ए रेगुलर स्पेशल एजुकेटर टीचर ज्वाइन द स्कूल द स्पेशल एजुकेटर गेस्ट विल बी डिसंगेज। तो जैसे रूल रेगुलेशन होते ही है, हालांकि आते नहीं, इतनी जल्दी आते नहीं, बहुत लंबे टाइम तक वो पेंडिंग रहते हैं, और 8-8, 10-10, 12-12 सालों से भी तक गेस्ट टीचर्स स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो आप एक बार फॉर्म जरूर भरिए, कोई परमानेंट टीचर्स के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, और यहाँ पर आपको वेटेज जरूर दिया जाएगा। ओके, सेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द मेरिट लिस्ट फॉर पर्पज ऑफ एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट आपका मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ट पेपर वन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट आपका कंसीडर किया जाएगा, सीटेट पास होने वालों को कंसीडर किया जाएगा। द मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाई इंक्लूसिव। तो अभी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप डॉक्यूमेंट, जैसे नाम आएंगे तो भैया डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे विल बी कॉल्ड फॉर इंगेजमेंट स्पेशल एजुकेशन। जो भी जिसके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे उनको बुलाया जाएगा, और जो स्कूल आपको अलॉट होगा उसमें आपको बुलाया जाएगा, और आपकी इंगेजमेंट आपको स्टार्ट हो जाएगी। द इंगेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट फॉर द एकेडमिक सेशन, अभी एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए, तो ये 31 तारीख तक चलेगा, उसके बाद इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, और लगातार जो है हर साल ये आगे बढ़ता रहता है। द कैंडिडेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर रिक्वायरमेंट रूल आर अंडर एज अंडर, तो जो भी रिक्वायरमेंट रूल है वो आपको करना होगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th पास होना चाहिए, पहली का आपका है, और इसके समकक्ष आपका हो 2-year डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन में आपका 2-year का डिप्लोमा हो, पहला यहाँ पर रहता है, इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाई द, तो रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपका होना चाहिए। एनी अदर इक्विवेलेंट, अगर आपका इससे इसके समकक्ष आप स्पेशल एजुकेटर टीचर बनने के इच्छुक हैं, या आपके पास जो योग्यता है, तो आप अपना सर्टिफिकेट उसमें रख सकते हैं। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पेपर वन आपका क्लियर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विल रेवलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो कि ये कुछ खास नहीं है। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, एज कितनी होगी, तो एज आपकी होगी मैक्सिमम 30 इयर्स 30, एंड रिलैक्सेशन तो मिलेगा आपको 5 इयर्स का मिलेगा SC ST को, 3 इयर्स का मिलेगा OBC को, एंड 10 इयर्स का मिलेगा आपको डिसेबल्ड जो एम्प्लॉयज होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 15 इयर्स 15 इयर्स इन द कास्ट, तो SC ST हैं, साथ में आप डिसेबल्ड भी हैं, तो आपको 15 साल का OBC का, मतलब ये सारी चीज़ें आपको डिसेबिलिटी है, SC ST है, तो आपको 13 से 15 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन मैंने आपको बताया, रिजर्वेशन कैसे रहेंगे, पोस्ट जल्दी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि भाई कितने कितने हैं। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, द एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन इन द प्रेसिडेंस। ओके, तो आपको ऑनलाइन जो अपने सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो 100 वेटेज आपको दिया है मेरिट जो है 10th के 12th के और स्पेशल एजुकेटर डिप्लोमा के, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपको जो सीटेट के मार्क्स है वो कंसीडर नहीं होंगे, सिर्फ पासिंग के लिए आपको चाहिए होगा। 5 बेस्ट 5 सब्जेक्ट आपको डालने हैं मैट्रिकुलेशन में, एंड सीनियर सेकेंडरी जो भी आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं, अच्छे वाले जिनमें अच्छे मार्क्स हैं, वो 10th और 12th के आप वही सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जो और भी इन्होंने सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, पर डे के अकॉर्डिंग मिला 1364 डेली वेजेज पर डे, और इसका जो रहेगा वो 27,900
₹30 मिलेगा और आपको गूगल क्रोम से ही फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आप गूगल फॉर्म से ही ब्राउज करेंगे और अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, बाकी कैंडिडेट सेल आप फिलअप द नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पर को फिलअप करनी है। जल्दी ही आपको फॉर्म का पूरा प्रोसीजर मैं बता दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपर इसकी भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, जल्द ही।